10,000 रुपये का चलान पोल्यूशन का, 100 रुपये का पोल्यूशन और 10,000 रुपये का चलान किस वेब पे बनेगा बताओ। सब चौचले राज जी है और कुछ नहीं देता, देश मिट्टी था मिट्टी है मिट्टी और कर रहा। गवर्नमेंट हर तरफ से पब्लिक को लूटना चाह रही है, किस तरफ से छोड़ा, पेट्रोल में छोड़ा, 106 रुपये 60 पैसे पेट्रोल कर दिया उन्होंने, रसोई गैस बढ़ा दी उन्होंने, तो जनता को एक कूपर है उनको, बटन दबाओ लूटी जाओ, बटन दबाओ लूटी जाओ, बस कोई अच्छा सोचना चाहिए, तो पैसा लूटने का है, तेरे पैसे जा रहे हैं व्हाट्सएप पे, 10,000 का चला रहा हर पेट्रोल पंप पे खड़े हैं और कोई है नहीं। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं जुल्को दिल्ली, जहां पर आप सभी जानते हैं कि सर्दियां अभी नज़दीक है, ऐसे में सरकार में प्रदूषण को लेकर चिंतन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जहां पर आप सभी जानते हैं कि प्रदूषण की अगर बात करें तो दिल्ली सरकार प्रदूषण को लेकर बहुत सारी मुहिम चलाने में हमेशा आगे रही है, जिसमें आपने देखा कि दिल्ली में स्मोक टावर्स भी लगाए गए, साथ में ऑडिवन कर गाड़ियों को भी चलाया गया, उसके साथ साथ में भी जो बाहरी वाहन है उनकी समय अवधि पर भी रोकथाम किया गया। अभी मैं आपको एक मुहिम के बारे में बताने वाली हूँ जो बिल्कुल ही नई है। इस मुहिम को कहा जा रहा है PUCC, यानी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। अब आपको पता है कि PUCC, अगर आप किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाने के लिए आते हैं तो वहां पर आपका प्रदूषण सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। अगर आपके पास वो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो वहां पर 10,000 रुपए का चालान भी आपका काटा जा सकता है। अभी जो आप ये बूथ देख रहे हैं, आपको बताएं कि ये हर एक पेट्रोल पंप पर होता है हालांकि, और जैसे कि यहाँ पे बताया भी गया है कि ये प्रदूषण जांच केंद्र है। आप साथ में यहाँ पे देख भी सकते हैं कि गाड़ियाँ कितनी ज़्यादा मौजूद हैं। अभी जहाँ पर लोगों के बीच में ये भी बना हुआ है कि 10,000 रुपये काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं, इतना भारी चालान है वो जनता आखिर कैसे चुका पाएगी। अब इसके ऊपर लोगों का क्या कहना है वो उनसे बातचीत कर लेते हैं। जसमीर जी ये बताइए, अभी जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की बात की जा रही है इसके बारे में पता है आपको? मैडम, गवर्नमेंट ने जो चोर बाजारी मचाई हुई है, लूटमार कर रही है, इसके क्या इलाज है बताओ मेरे को, कोई इलाज है? 10,000 रुपये का चलान पोल्यूशन का, 100 रुपये का पोल्यूशन और 10,000 रुपये का चलान किस वेब पे बनेगा बताओ। गवर्नमेंट हर तरफ से पब्लिक को लूटना चाह रही है, किस तरफ से छोड़ा, पेट्रोल में छोड़ा, 106 रुपये 60 पैसे पेट्रोल कर दिया उन्होंने, रसोई गैस बढ़ा दी उन्होंने, क्या बताओ क्या छोड़ा उन्होंने जनता के लिए? प्रयास के लिए छोड़ा नहीं, सिर्फ लूटी जाओ, जनता को एक कूपर है उनको, बटन दबाओ लूटी जाओ, बटन दबाओ लूटी जाओ, बस जनता के लिए तो प्रयास है ना। अभी आपने देखा ओड इवन भी चलाया, स्मोक टावर भी लेके आए, मतलब कुछ कामयाब नहीं है यहाँ पे। क्या लग रही है PUC सरकार खुद अपने आप को नहीं समझा लेगी तब तक कोई पब्लिक कैसे समझेगी बताओ? क्या लगता है PUC से कुछ हो सकता है? इतना भारी चलान तो कोई करवाएगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा इसका, इससे तो और गुंडागर्दी बढ़ जाएगी और कमाई बढ़ जाएगी लोगों की, बस इसके अलावा कोई चांस नहीं है। राजीव जी बताइए, PUC के बारे में आपको पता है? नहीं। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आप पेट्रोल पंप पर आते हैं, अगर आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको पेट्रोल भी नहीं मिलेगा और साथ में 10,000 का चालान भी। वो तो गलत है ना, पेट्रोल नहीं मिलेगा, जब वहाँ आएंगे पेट्रोल चेक कराएंगे तो तभी तो बात बनेगी ना हमारी, तो पेट्रोल नहीं मिलेगा ऐसे गलत है, बाकी चेक करना जरूर, चेक करवा लिया हमने। 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आपका सर्टिफिकेट बनकर तैयार नहीं होता, नहीं ऐसा बताया जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर अगर आपका बन के तैयार हो जाता है तो कोई चालान नहीं है। तो हमें नहीं पता ना इसकी इन्फॉर्मेशन, किसी को पता ही नहीं है इस बारे में, तो बताओ टीवी पे क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, गरीब आदमी लग रहा है कि अधूरी जानकारी दी जा रही है और चालान बना देंगे, तेरे पैसे जा रहे हैं व्हाट्सएप पे, 10,000 का चालान हर पेट्रोल पंप पे खड़े हैं और कोई है नहीं। अच्छा, आप भी से पोल्यूशन के लिए? बिल्कुल मैम। मुहिम को लेकर क्या कहना आपका, होगा इससे पोल्यूशन कम होगा? कुछ नहीं हो सकता मैम, कुछ नहीं हो सकता, सब चौचले राज जी है और कुछ नहीं हो सकता, देश मिट्टी था मिट्टी है मिट्टी और कर रहा, एक आम आदमी पांच करेगा, 7,000 रुपए बिना कमाते, 6,000 रुपए बिना कमाते, 10,000 रुपए चालान कर दिया, किस पे कर रहे बताओ? नहीं वो तो इसलिए कर रहे ना कि इतना ज्यादा है तो आप डर की वजह से। मेरी स्कूटी है मेरे पास, 10,000 रुपए चालान मेरे, मैं नहीं पे करूंगा, क्या गवर्नमेंट एक्शन लेगी ना मेरे पे? लेगी ना, तो 10,000 रुपए नहीं है कहां से लाऊंगा बताओ? ये गवर्नमेंट ने पूछा है कुछ, कोई वेब तो रखो टू व्हीलर या गाड़ी पे, किस वेब पे 10,000 का चालान कर दिया तुमने? अभी तो सोचिए 20 रुपए का मास्क आता है उसके ऊपर भी 2,000 रुपए का चालान है, क्यों है तो क्यों है? आपने सोचा गवर्नमेंट कंगली हर तरह से पब्लिक को लूट रही है, गवर्नमेंट का तो दे ही जाओ, GST लगा दिया, नोटबंदी कर दी, कहां पे छोड़ा बताओ? किसी तरफ छोड़ा उन्होंने? किसी तरफ नहीं छोड़ा, चलो लूटी जाओ, आपका कितना बटन दबाओ पेमेंट निकालो, बस ATM कार्ड है जो मर्जी ले जाओ। आपको कितना सहयोग है इस मुहिम को? कोई सहयोग नहीं है, बेवकूफ बना रही है दुनिया को। इसके साथ साथ में जानकारी के लिए आपको बताएं कि दिल्ली में 500 से भी ज्यादा टीम जो है वो हर पेट्रोल पंप पर 4 सदस्यों के साथ तैनात की गई है, जिसमें एक डायरी भी बनकर तैयार किया जा रहा है और उसके अंदर ये गाड़ी नंबर भी मेंशन किया जा रहा है और साथ में आपने पोल्यूशन सर्टिफिकेट कब बनवाया था या फिर उसकी एक्सपायरी है या नहीं, ये सारी चीज़ें भी चेक की जा रही हैं। उसके साथ साथ में ये भी बताया जा रहा है कि 24 घंटे का टाइम आपको दिया जा रहा है, अगर उस टाइम पर आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाता है तब आपका कोई चालान नहीं काटा जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो
तो आपका ई चालान घर बैठे आ जाएगा। सर एक बार बताएंगे आपके पास सुबह से कितने अभी तक आए हैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाए गए? 80 से 85 के बीच में बन चुके हैं। रोजाना के इतने ही आंकड़े या फिर आज 100 120 100 120? अच्छा ये बताइए कोई ऑर्डर आया आप लोगों के पास कि यहाँ पे पुलिस अभी तैनात होगी, जो चालान टीम है वो तैनात होगी यहाँ पे? न्यूज में देखा था। अभी तक ऑर्डर नहीं आप लोगों के पास? ऑर्डर तो पास है, वो तो होना ही होना है। अच्छा ये बताएं आप लोग मतलब कितने टाइम में बनाकर तैयार कर देते हैं सर्टिफिकेट? कौन सी गाड़ी का? टू व्हीलर हो या फिर फोर व्हीलर? लगते हैं 5 से 6 मिनट, और पेट्रोल कार में लगते हैं 10 मिनट तक, डीजल वाली में लगते हैं 10 मिनट से लेकर 20 मिनट तक। अच्छा आप बताएं, आप तो यहाँ पे काम करते हैं, आप बताएं आपको कैसी लग रही है ये मुहिम? अगर पोल्यूशन चेक नहीं करवाता है कोई तो 10,000 का चालान बनेगा उनका। पहले हमारे देश की जो नेता है ना वो तो सुधर जाए, यह सारा सिस्टम है ना ये हमारे नेताओं के ऊपर है, जब तक वो नहीं सुधरेंगे ना तब तक कुछ नहीं होना। प्रदूषण रोकने में कितनी लाभकारी है? लाभकारी कुछ भी नहीं है, टू व्हीलर से इनसे क्या, BS4 है, BS6 है, इन्होंने पहले ही इतने नॉर्म कम कर दिया कि पेट्रोल इतना धुआं छोड़ेगा ही नहीं, ना ही डीजल छोड़ेगा, कोई अच्छा सोचना चाहिए, ये तो पैसा लूटने का है। तो ये आप सुन रहे थे जहाँ पर POC को लेकर कुछ जनता के ही मत हैं कि एक तरीके से ये ठग कहा जा रहा है कि 10,000 रुपये का चालान वाकई में बहुत ज़्यादा है जो लोगों पर लगाया जाएगा या फिर जो भी गाड़ी वाहन चालक होंगे उनके ऊपर ये लगाया जाएगा। तो इसको लेकर जनता की जो भी है सहमति नहीं है, लेकिन सरकार का ये मानना है कि हो सकता है कि इससे जागरूकता फैलेगी और साथ में जो पोल्यूशन लेवल है वो भी कम हो सकता है। अब इस पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में जो प्रदूषण है, प्रदूषण का जो चिंतन है दिल्ली में लगातार बना रहता है, वो POC की वजह से कम होने वाला है या नहीं? साथ ही मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं रिया कैमरा पर्सन राजा के साथ झलको दिल्ली।